तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। आज हम जो मैच कवर करने वाले चैनल में, ये रहेगा आज का दूसरा मैच ला लीगा का। दोस्तों एक बहुत बड़ा मुकाबला रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एल क्लासिको, इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों आज के जितने भी मैचेज हैं इन सभी मैचेज की फाइनल टीम आपको मिल चुकी है। अब दोस्तों बाकी यहाँ पे बेंगलुरु जो ATK का मैच है ISL की तो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों टीम मिली, इसकी टीम भी आपको मिली है। और दोस्तों लगभग सब जगह हमारी काफ़ी अच्छी विनिंग्स हो रही है। तो दोस्तों इसके अलावा आज का जो अभी एस्टन विला मैन सिटी का मैच है, इसकी फाइनल टीम भी मैं देने वाला हूँ अभी इस वीडियो के जस्ट बाद। तो दोस्तों अब चलते हैं इस मैच का, करते हैं डिटेल एनालिसिस। और आपको सभी मैचेस की फाइनल SL टीम चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे GL SL लगभग दोनों टीम्स मिलती है। अब चलते हैं दोस्तों, करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों बात करें रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की, ये वर्ल्ड फुटबॉल का सबसे बड़ा मैच होता है दोस्तों, जहाँ पे दो सुपर जाइंट्स फुटबॉल के, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना आमने सामने होती है। दोनों दोस्तों वर्ल्ड की बेस्ट क्लब्स में दोनों टीम्स का नाम आता है और ये राइवलरी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। सेंटियागो बर्नाबाउ रियल मैड्रिड का होम मैच है, आज रात 1:30 AM पे मैच शुरू होगा। अब दोस्तों आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट्स टेबल दिखाता हूँ लालीगा का। ये हर साल ऐसे ही देखने को मिलता है, आज भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला है, टॉप टू में ये दो टीम्स होती है। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल पहले जो टॉप स्पॉट में वो बार्सिलोना है 55 पॉइंट के साथ और उनके जस्ट नीचे रियल मैड्रिड है 53 पॉइंट के साथ। तो दोनों आपको पता है कितने ज़्यादा। और दोस्तों जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे तब ये मैच और ज़्यादा मज़ेदार होता था, तब मेसी वर्सेस रोनाल्डो की राइवलरी होती थी। लेकिन अब रोनाल्डो यहाँ पे से जा चुके हैं इसलिए दोस्तों अभी भी उतना इंपॉर्टेंट मैच होता है, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आता जो मेसी वर्सेस रोनाल्डो की राइवलरी देखने में हमें आता था। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट कुछ मैचेस के रिजल्ट देखते हैं। पहले रियल मैड्रिड के 2-2 ड्रॉ इन्होंने सेल्टा वीगो से किया, फिर शॉकिंगली 1-0 से लेवांटे से हारे कमजोर टीम से, और पिछले मैच में शॉकिंगली 2-1 से मैनचेस्टर सिटी से भी हारे चैंपियंस लीग के मैच में। तो रीसेंट फॉर्म कुछ रियल मैड्रिड की अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन दोस्तों जो क्लासिको मैचेस होते हैं इसमें फॉर्म कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि ये एक ऐसी राइवलरी है दोस्तों जहाँ पे मेंटल कंडीशन भी ज़्यादा मैटर करती है और खिलाड़ियों के अंदर एक ही होता है कि एक दूसरे के अगेंस्ट जीतना है। आप दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी से इनसे इनको कंपेयर कर सकते हैं, जैसा वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच एक लवली की लेवल का मैच होता है फैंस के लिए भी सबके लिए भी, वैसे ही कुछ ये वाला मैच भी हो सकता है। अब दोस्तों बाकी बार्सिलोना का देखते हैं हम, इनके लास्ट 3 मैचेस 2-1 जेटाफे को हराया, 5-0 एबर को हराया और पिछला मैच UCL का 1-1 ड्रॉ नेपोली से खेला। लास्ट 3 मैचेस के रिजल्ट से बार्सिलोना के काफ़ी पॉजिटिव हमें दिखे हैं, 3 में से 2 मैच जीते और 1 बड़ा मैच ड्रॉ किया। और ये जो 5-0 वाला मैच था दोस्तों, इसमें आपको बता दूँ लियोनल मेसी ने इस मैच में 4 गोल मारे थे, तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले लियोनल मेसी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन एक ही मैच से फॉर्म में आ गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड इन दोनों टीमों के बीच अभी तक इस सीजन में एक क्लासिको, जो पहला क्लासिको होता बार्सिलोना के घर में, वो 0-0 ड्रॉ रहा था और बहुत शॉकिंग रिजल्ट था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोललेस वो ड्रॉ रहेगा। बाकी आप यहाँ पे पोजीशन देखेंगे तो थोड़े बार्सिलोना के फेवर में थे, आज भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। बाकी यहाँ पे चांसेस क्रिएटेड शॉट्स रियल मैड्रिड के ज़्यादा थे और दोस्तों उस मैच को मैंने पूरा देखा था, वहाँ मुझे याद है रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतरीन फुटबॉल उस मैच में खेला था। अब दोस्तों बाकी देखते हैं प्रोबेबल लाइनअप। पहले रियल मैड्रिड की थिबो कोर्टो इनके गोलकीपर हैं, काफ़ी सेव्स कर सकते हैं, वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर में इनका नाम आता है। डेनी करवाल, राफेल वरान, रेमोस और मेंडी 4 डिफेंडर है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले मैं रेमोस के बारे में कहना चाहूँगा, ये इनके कैप्टन है, पेनाल्टी टेकर है, सबसे बड़े प्लेयर हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस मैच में इनका रोल अलग हो जाता है, क्योंकि ये जो रेमोस है बार्सिलोना से बहुत हेट करते हैं, बहुत नफरत करते हैं बार्सिलोना क्लब से, क्योंकि दोस्तों इन्होंने काफ़ी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बोला है। तो या तो इस मैच में दोस्तों हेडर्स में भी स्कोर कर सकते हैं, पेनाल्टी भी खा सकते हैं, या दोस्तों ये रेड कार्ड भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रेड कार्ड खाते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने नेपोली के अगेंस्ट रेड कार्ड खाया UCL में। अब दोस्तों बाकी करवाहाल और मेंडी फुलबैक से, दोनों असिस्ट कर सकते हैं, वैसे आज ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं खेलेंगे, काउंटर अटैक्स में ही करेंगे, लेकिन असिस्ट ये दोनों प्लेयर कर सकते हैं। राफेल वरान दोस्तों ये हेडर्स में स्कोर रेयरली कर सकते हैं कभी कभी, और बाकी ये पासेस बनाएंगे। अब दोस्तों फ्रेडी वलवाडे और टोनी क्रूस कसेमीरो, ये 3 प्लेयर मिडफील्ड में खेलेंगे, जिसमें कसेमीरो होल्डिंग मिडफील्ड में खेलेंगे। लेकिन दोस्तों जो कसेमीरो हैं ये बड़े मैचेस में काफ़ी अच्छा करते हैं, तो आज बड़ा मैच हो सकता है, आज रेयरली कभी स्कोर करते हैं, लेकिन जब भी स्कोर करते हैं बड़े मैचेस में ही करते हैं। फ्रेडी वलवाडे की बात करो दोस्तों, लास्ट टाइम जब एल क्लासिको हुआ था बार्सिलोना के अगेंस्ट पिछला मैच, उसमें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था इन्होंने। हालांकि ऑन पेपर इनके स्टैट उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप गेम देखेंगे तो उस मैच में तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था, और वैसे भी लगातार अच्छा कर रहे हैं, बाकी गोल असिस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो टोनी क्रूज है इनके क्रिएटर इन चीफ है, पासेस बनाते हैं, कॉर्नर्स लेते हैं,
फ्री किक्स लेते हैं और गोल भी स्कोर कर सकते हैं, असिस्ट भी कर सकते हैं, तो ये इनके वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है टीम के। अब दोस्तों फॉरवर्ड लाइन में गैरेथ बेल खेलेंगे, इसको खेलेंगे और करीम बेंजेमा खेलेंगे। अब गैरेथ बेल दोस्तों अगर पूरे फिट नहीं हुए तो विनीसियस खेलेंगे। गैरेथ बेल भी दोस्तों बहुत बड़े प्लेयर है, गोल्स असिस्ट कर सकते हैं, इसको ने भी दोस्तों लास्ट मैच में ही गोल मारा था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। ये भी दोस्तों होल प्लेयर है एक तरीके से, असिस्ट और गोल दोनों कर सकते हैं। अब जो बेंजेमा है ये इनके स्टार स्ट्राइकर है, सबसे ज़्यादा गोल इन्हीं के इस सीजन, लेकिन रिसेंट कुछ मैचेस से गोल नहीं मारे, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन दोस्तों बड़े मैच में बड़े प्लेयर पर ट्रस्ट होता है, तो बेंजेमा कैप्टन वाइस कैप्टनसी की भी चॉइस हो सकते हैं इस मैच में। अब बार्सिलोना के देखते हैं, टर स्टेगन इनके गोलकीपर है, ये भी वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर है। चार इनके डिफेंडर्स खेलेंगे, नेल्सन समेडो खेलेंगे, फिरपो खेलेंगे, उमतीती और पीके। अब दोस्तों समेडो और फिरपो असिस्ट कर सकते हैं, फुल बैक से काफ़ी पेसी हैं दोनों। समेडो ने लास्ट मैच में नेपोली के अगेंस्ट ग्रीजमैन को एक असिस्ट किया था। पीके और उमतीती दोस्तों ये दोनों सेंटर बैक पोजीशन में खेलेंगे। पीके का भी दोस्तों रेमोस की तरह रोल है, पीके भी दोस्तों रियल मैड्रिड को बहुत हेट करते हैं, तो पीके भी हेडर्स में स्कोर कर सकते हैं इस क्लब के अगेंस्ट। अब बाकी दोस्तों उमतीती पासेस बनेंगे, कभी रेयरली इनका गोल आ जाता है। सर्जियो बुस्केट्स यहाँ पे होल्डिंग मिडफील्ड में खेलेंगे दोस्तों, ये प्लेयर ज़्यादा पासेस बनाता है, गोल्स असिस्ट में ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है। अब दोस्तों जो फ्रैंकी डियोंग और आर्थर है ये सेंट्रल मिडफील्ड में खेलेंगे। खासतौर पर दोस्तों आर्थर का शुरुआत ऑफ द सीजन अच्छी रही थी, लेकिन बाद बाद में फॉर्म थोड़ी डीप आया इनके जब से इंजर्ड हुए हैं, ये गोल्स असिस्ट कर सकते हैं। जो डियोंग है दोस्तों ये पास मास्टर है, पासिस बहुत बनेंगे, ये भी गोल्स असिस्ट दोनों कर सकते हैं, पूरी कैपेबिलिटी है इनके अंदर। और इनकी खास बात यह है, लास्ट ईयर आपको UCL में आपने अगर मैच देखा तो आपको याद होगा, जो UCL में आयक्स की तरफ से जब डियोंग खेलते थे, आयक्स ने रियल मैड्रिड को बाहर किया था, तो उस मैच में डियोंग ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, तो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अच्छा करते हैं। अब दोस्तों विडल अटैकिंग मिडफील्ड में खेलेंगे। दोस्तों विडल का ऐसा है, ये हिट एंड मिस प्लेयर है एक तरीके से कहा जाए तो, किसी मैच में बहुत ही बेहतरीन करते हैं, गोल्स भी स्कोर कर सकते हैं, असिस्ट भी, किसी में बिल्कुल डल रहते हैं, तो दोस्तों ये आपके लक पे डिपेंड करेगा अगर विडल चलते हैं या नहीं। अब ग्रीजमैन सेकंड स्ट्राइकर के रोल में खेलेंगे, मेसी के बाद इनके बेस्ट प्लेयर फिलहाल ग्रीजमैन ही है, ये भी गोल्स असिस्ट दोनों कर सकते हैं, पिछले मैच में नेपोली के अगेंस्ट गोल मारा। अब दोस्तों लियोनल मेसी खेलेंगे फॉरवर्ड सेक्शन में। अब लियोनल मेसी के बारे में आप सभी को पता है, सबसे बड़े प्लेयर है वर्ल्ड के, गोल्स असिस्ट सब कुछ इन्हीं के ज़्यादा है, और वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है, पेनाल्टी टेकर है, तो कैप्टनसी की भी एक बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। अब दोस्तों बाकी टॉप दोनों टीम्स के आप स्टैट देखिए इस सीजन के, मैं कुछ कुछ मेन खिलाड़ियों के बता रहा हूँ। रियल मैड्रिड से बेंजेमा के अकेले 13 गोल है, रेमोस 5, पांचों पेनाल्टी में होंगे, मॉड्रिच क्रूस कासेमिरो 3, बेल वेरवाडिक वरान रोड्रिगो जोविक 2, इसको 1, बेंजेमा के 6 असिस्ट है, क्रूज 4, मॉड्रिक 4, करवाहाल 4, वलवाडे 4, बाकी सबके 2-2, 1-1। अब बार्सिलोना से मेसी के 18 गोल हैं, सुआरेज जो इंजर्ड है उनके 11 गोल है, फिर फिडल 6, ग्रीजमैन 8, अंसुपति 4, बाकी सबके आप देख लीजिए। यहाँ मेसी के 18 गोल के साथ 12 असिस्ट भी है, सुआरेज के 7 असिस्ट हैं, ये इंजर्ड है, ग्रीजमैन 4, बाकी सबके आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये हैं दोनों टीम्स के स्टैट, आप वीडियो पॉज करके इनको आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं बताता हूँ, पहले स्मॉल लीग में रियल मैड्रिड से बेंजेमा रहने वाले हैं, रेमोस रहने वाले, क्रूस और गैरेथ बेल या विनीसियस, इसको गैरेथ बेल विनीसियस में से जो खेला, और इसके अलावा इसको। बार्सिलोना से मेसी रहने वाले, ग्रीजमैन रहने वाले, विडाल रहने वाले और डी योंग रहने वाले। अब दोस्तों प्रिडिक्शन, ये एक ऐसा मैच होता है जिसको प्रिडिक्ट करना एकदम से इम्पॉसिबल है दोस्तों, कोई भी टीम इस मैच में जीत सकती है। अगर हम रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, वैसे हिस्ट्री इस मैच में मैटर नहीं करती, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बार्सिलोना लगातार डोमिनेट करते आ रही है, लेकिन दोस्तों इस सीजन बार्सिलोना का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा और इस मैच में हिस्ट्री कोई मैटर नहीं करती, तो फिलहाल मेरी प्रिडिक्शन 2-2 ड्रॉ रहने वाली है। तो दोस्तों अब इस मैच की जो फाइनल SL टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिलहाल जो मैंने डेमो टीम बनाई है वो मैं आपको दिखा। तो दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, लगभग सारे फुटबॉल मैचेस यहाँ कवर होते हैं, ISL की तो ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों टीम्स आपको मिलती है। और दोस्तों काफ़ी अच्छी टीम हमने दी थी अभी मैन यूनाइटेड वाली मैच की, इसमें क्लीन स्वीप हुआ है। ISL की टीम भी हमारी काफ़ी अच्छी थी, डैशॉन ब्राउन थे हमारी टीम में। तो दोस्तों बाकी आप देख सकते हैं टीम्स काफ़ी अच्छी जा रही है और काफ़ी अच्छी विनिंग्स हो रही है, आज के सारे मैचेस यहाँ कवर होते हैं। और दोस्तों ये आज का मैंने शेड्यूल भी डाला, लगभग सारे मैचेस यहाँ कवर किए, तो ज़रूर जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मैच की फाइनल SL टीम भी आपको यहीं मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों इस मैच का डेमो टीम में आपको। तो दोस्तों यह है इस मैच की डेमो टीम, जो मेरी प्रेडिक्शन 2-2 ड्रॉ वाली है, मैंने दोनों टीम्स के इक्वली बांटे, जिसमें रियल मैड्रिड के 6 और बार्सिलोना के मैंने 5 प्लेयर लिए। गोलकीपर मैंने कोटवा लिया, आप इनको चेंज करके टर स्टेगन कर सकते हैं। 2-2 डिफेंडर्स मैंने इक्वली कर दिया, जिसमें रेमोस लेना कंपलसरी हो जाता है, पेनाल्टीज में भी होंगे। इसके अलावा मैंने करवाहल लिया, आप इनके प्लेस में मेंडी ले सकते हैं। यहाँ से मैंने फिर समेडो और पीके ले लिया, आप ये समेडो के प्लेस में जूनियर फिरपो ले सकते हैं। मिडफील्ड में दोस्तों मैंने इसको क्रूज ले लिया और मैंने विडाल ले लिया, यहाँ से आप विडाल के प्लेस में दोस्तों फ्रेंकी डियोंग ले सकते हैं। बाकी फॉरवर्ड में ग्रीजमैन, बेंजेमा और मेसी, ये तीनों कन्फर्म ले लें। अगर बेल खेले तो फिर दोस्तों आप एक पंट पिक ले सकते हैं कि
ग्रीजमैन को ड्रॉप करके बेल ले सकते हैं, बेल भी बहुत बड़े प्लेयर है। फिलहाल दोस्तों जो मेरे कैप्टन है वो मैसी रहेंगे। वाइस कैप्टन में आपके पास बहुत सारी चॉइस है, ग्रीजमैन की चॉइस है, बेंजिमा की चॉइस है, क्रूस है, रेमोस है। तो दोस्तों फिलहाल मैं सेफ जा रहा हूँ, मैं मैसी को कैप्टन और बेंजिमा को वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल ये मेरी डेमो टीम है। अब इस मैच की फाइनल एस एल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।